हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम व्यू पार्सर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यू सेल्स के बारे में बात की थी। सेम प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू करेंगे जिस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, पहले ही समझ लेते हैं व्यू पार्सर्स होता क्या है। व्यू पार्सर्स भी एक लाइब्रेरी है व्यू को रेंडर करने के लिए, उन्हें पार्स करने के लिए। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है, इसके केस में, व्यू पार्सर के केस में जो व्यू का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी हमारे जो व्यूज़ हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं, जैसे ये साइड बार, इसमें मैंने PHP का यूज़ किया है। लेकिन अगर हम व्यू पार्सर का यूज़ करते हैं तो हम PHP का यूज़ नहीं करते हैं व्यू फाइल के अंदर। ओके, व्यू पार्सर को अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं ताकि इसका डेमो अलग कंट्रोलर पे रहे। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, लिब कंट्रोलर को ही। ये मैंने इसकी कॉपी की है और इसी को ही मैं रिनेम कर देता हूँ। सर डेमो, ऐसे पार्सर डेमो करके मैंने एक बना दिया है। ये पार्सर डेमो कंट्रोलर मैंने बनाया इसमें हम इसको नहीं, इसको भी ले लेते हैं, कैटेगरी इसको ही ले लेते हैं। पार्सर डेमो का जो इंडेक्स होगा, अगर हमें व्यू पार्सर को इनिशियलाइज करना होता है तो हम कैसे करेंगे, मतलब यूज़ कैसे करेंगे हम उसे अपनी क्लास में, इसके लिए सीधा कॉपी कर लेते हैं coordinator.com से ही, इजी रहेगा। व्यू पार्सर एक तरीका तो ये है कि हम सीधा कॉन्फिग सर्विसेज पार्सर का यूज़ कर लें। दूसरा तरीका है कि अगर हम डायरेक्ट, ये अल्टरनेट मेथड है इसका, हम ये कॉपी करके भी कोऑर्डिनेटर व्यू पार्सर इस क्लास को हम डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। पार्सर क्लास को उसका ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं और हम ऐसे भी इसे व्यू पार्सर को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा पार्सर क्लास का, तो कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं, तो ये ही यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास पार्सर तो है, पार्सर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसमें डेटा सेट करना पड़ेगा। एक्चुअली पार्सर के दो इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं, या तो हम रेंडर करते हैं या फिर हम एक स्ट्रिंग, एक या तो एक टेम्पलेट को रेंडर करते हैं। जैसे हम व्यूज के केस में टेम्पलेट को डाल रहे थे, तो टेम्पलेट का नाम पास करते हैं तो वो टेम्पलेट एग्जीक्यूट हो जाती थी, उसका व्यू आ जाता था। पार्सर के केस में या तो हम टेम्पलेट का नाम देंगे जो व्यू फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल है, व्यू फाइल है, या फिर हम एक स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सिर्फ रेंडर स्ट्रिंग को करना हो, जैसे रेंडर स्ट्रिंग है तो कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास है, मान लो यही हम इसी स्ट्रिंग को ही करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये हमारी टेम्पलेट है, सिर्फ स्ट्रिंग है हमारे पास, और स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर ऐसे ना करके, इसने कुछ हेड टाइटल बनाया है, हम हेडिंग बना लेते हैं H1, इसे हटा देते हैं। तो ये एक HTML स्ट्रिंग है जिसमें मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को पास कराया। वेरिएबल हमेशा हम व्यू पार्सर के केस में कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करके मैंने यहाँ एक वेरिएबल पास कराया। अब ये ब्लॉक टाइटल है, मैं इसे हेडिंग कर देता हूँ। अब ये हेडिंग वेरिएबल हमें यहाँ पर सेट भी करना पड़ेगा पार्सर के अंदर, तभी हम इसे पार्स कर पाएंगे। अब व्यू के अंदर हम कोई भी
वेरिएबल है, अगर उसे पास कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराते थे, एक एरे के अंदर हम स्टोर करते थे, उस एरे को हम व्यू फंक्शन के अंदर पास कराते थे टेम्पलेट नेम के साथ, तो वो वेरिएबल बन जाता था व्यू फाइल पे जाकर। सेम यहाँ पर भी यही होता है, मान लो मैं अगर हैडिंग नाम का एक, क्योंकि हमें हैडिंग नाम का वेरिएबल चाहिए, और हैडिंग यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैंने ये वैल्यू रखी है इसकी, तो ये एक इंडेक्स है, डेटा एरे का इंडेक्स है जिसकी वैल्यू है माई पेज हैडिंग्स। अब मैं क्या करूँगा कि इसी को ही यहाँ से पार्सर ऑब्जेक्ट के अंदर पहले डेटा सेट करूँगा, सेट डेटा मेथड होता है पार्सर, सेट डेटा डेटा, तो जो इसका इंडेक्स है हेडिंग जो है वो एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर इस टेम्पलेट के लिए। और रेंडर स्ट्रिंग के केस में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग रखी हुई है, कोई टेम्पलेट फाइल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं रेंडर स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे ना करके हम सीधा यहाँ भी कर सकते थे, अगर कोई स्ट्रिंग मेरे पास है मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे पास एक HTML स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास कराया और अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ पार्सर डेमो पे, हम अपना लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर फॉर, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं पार्सर डेमो और इंडेक्स, इसमें कुछ एरर है, ट्यू फॉर आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट, शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पर हमने बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड नहीं किया, ऐप कंट्रोलर्स इसको देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ओके, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, एरर यहाँ पर है, पार्सर के अंदर में आर्ग्यूमेंट्स कम दिए हैं, तो ये कुछ एरर क्रिएट कर रहा है, आई डोंट नो क्या एरर है ये, हम इसे सर्विस मेथड के थ्रू करा देते हैं। इसको ट्रबल शूट करने में काफी टाइम लग जाएगा, सर्विस मेथड से ये चल रहा है, तो जो हैडिंग है यहाँ पर, हैडिंग वेरिएबल मैंने यूज़ किया है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, उसकी जगह पे मेरा हैडिंग इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल बन जाएगा इंडेक्स, यहाँ पर आकर इंडेक्स एक वेरिएबल बन जाएगा, एरे का जो इंडेक्स है वो एक वेरिएबल बन जाता है, और वो वेरिएबल हमारे स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं व्यू पार्सर के अंदर, ऐसे ये पार्स हो जाएगा और इसका जो भी आउटपुट आएगा, यानी कि माई पेज हेडिंग यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और इसका जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, जैसा कि ये फंक्शन कर रहा है कि माई पेज हेडिंग और H1 में इस तरीके से आ रहा है। तो ये तो था एक स्ट्रिंग मेथड कि हम स्ट्रिंग का यूज़ करके, रेंडर स्ट्रिंग का यूज़ करके एक स्ट्रिंग को कैसे पार्स करेंगे। अब अगर मुझे टेम्पलेट को करना है, मान लो मैं इसी को ही पोस्ट हेडिंग
देता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। कोई भी डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब हम जब सेट डेटा करेंगे पार्सर के अंदर, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक हेडिंग और एक डिस्क्रिप्शन। और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कराया है। अब इस बार हम स्ट्रिंग को नहीं कराएंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस बार मैं टेम्पलेट को कर देता हूँ। इस बार हम टेम्पलेट को कराएंगे, यहाँ रेंडर हम लिखेंगे और यहाँ हम देंगे टेम्पलेट का नाम, मान लो पोस्ट। पोस्ट एक टेम्पलेट होनी चाहिए हमारी, कहाँ पर, व्यू फोल्डर के अंदर। अगर मैं ऐसे ही से डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पर और इसको डायरेक्ट रन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कह रहा है कि पोस्ट डॉट पी एच पी नहीं मिली है, इनवैलिड फाइल है। तो पोस्ट डॉट पी एच पी, सॉरी, पोस्ट डॉट पी एच पी हमें व्यूज के अंदर यहाँ पर एक फाइल पोस्ट डॉट पी एच पी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम पोस्ट डॉट पी एच पी क्रिएट करेंगे तो एरर चला गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल तो डिफाइन किए हुए हैं और वो हमने डेटा सेट भी किया हुआ है पार्सर के अंदर, और हम रेंडर भी करा रहे हैं सही टेम्पलेट को, लेकिन ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर हमने यूज नहीं किए हैं। अब मुझे अगर हेडिंग को यूज करना है तो मैं ये करूँगा, ऐसे ही अगर मुझे डिस्क्रिप्शन को यूज करना है तो मैं ये करूँगा। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हेडिंग भी हमारी आ गई और जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया था वो भी आ गया। तो व्यू पार्सर के केस में हम पीएचपी को नहीं यूज करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वो वेरिएबल वहां पर आ जाता है, रेंडर होता है। तो ये भी एक तरीके से व्यू को रेंडर करने का करने के लिए क्लास दी गई है इसमें। जैसे आपने देखा होगा स्मार्टी है या फिर और भी टेम्पलेट इंजन्स होते हैं, उनमें इसी तरह की कोडिंग होती है। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को उसके अंदर डालते हैं और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो जो लोग स्मार्टी से इधर आते हैं, कोडिंग एडिटर में स्विच करते हैं, उन्हें ऐसा ही टेम्पलेट सिस्टम पसंद है, तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं, पार्सर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे लूप में भी चलाकर देख सकते हैं। अगर हमें लूप में डालना है तो कोई एग्जांपल दिया होगा, उसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं लूप के लिए। जैसे ये दिया हुआ है ब्लॉक एंट्रीज करके है, कोई भी हो सकता, यहाँ पर है ये, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर सिर्फ, और इसको मैं रिनेम कर देता हूँ ब्लॉग के नाम से। कोई हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग का टाइटल दिया है, ब्लॉग की हेडिंग दी हुई है, ब्लॉग एंट्रीज दी हुई है, तो ये है। अब पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं एज इट इज यहाँ से उठा लेता हूँ और पोस्ट के ऊपर रख देता हूँ, देखिए ब्लॉग टाइटल हमारे पास है, ब्लॉग हेडिंग हमारे पास है, ब्लॉग एंट्रीज हमारे पास है, मल्टीपल एंट्रीज हैं,
अगर मल्टीपल एंट्रीज हैं तो वो एक लूप के लिए काम करेंगी, टाइटल बॉडी ऐसे, तो ये अपने आप ही लूप जनरेट हो जाएगा। हमें फॉर ईच वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे PHP में हमें फॉर ईच का यूज़ करना पड़ रहा था और फिर उसे लूप करना पड़ रहा था, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पार्सर के केस में ये चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। टेम्पलेट फाइल नोट फाउंड, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है ब्लॉग। देखिए तो यहाँ पर आ गया है, हेडिंग आ गई इसकी, यहाँ माय ब्लॉग टाइटल, ये जो पेज टाइटल था यहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है ऊपर। यहाँ ये था हमारा ब्लॉग टाइटल और इसको हमने टाइटल में दिखाया है, तो वो तो वहीं पर दिखेगा ब्राउज़र टाइटल बार पे, टाइटल बार पे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये माय ब्लॉग हेडिंग है, तो माय ब्लॉग हेडिंग यहाँ पर जो हमने दिखाई है स्थिति करके, ये ब्लॉग हेडिंग ये आ गई है। ब्लॉग एंट्रीज मल्टीपल हैं, अगर मैं इसे हर एक पेज इसकी बॉडी को इतना कर देता हूँ कि तीन ही पोस्ट रखते हैं, टाइटल और बॉडी तीन ही हमने रखा, तीन पोस्ट है, तीन एंट्रीज है हमारे पास। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन अब सही लग रहा है। टाइटल फिर उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन, तो लूप ऑटोमेटिक अपने आप ही हैंडल हो गया है पार्सर क्लास से, हमें लूप को हैंडल नहीं करना पड़ा है। अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं एरे के अंदर तो इसके अलावा यही चीज़ हम डेटाबेस से भी रिट्राइव कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास डेटाबेस में कोई वैल्यूज हैं, ये हमारा मान लो कैटेगरीज को मुझे दिखाना है, सिर्फ कैटेगरीज को ही मुझे दिखाना है, कैटेगरी टाइटल को, और मैं इसको लाना चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं एक व्यू पार्सर का यूज़ करके डेटाबेस की वैल्यूज़ को दिखाना चाहता हूँ। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, डेटाबेस से कैसे निकालेंगे इसे, पब्लिक फंक्शन कैटेगरी। अगर मुझे कैटेगरी को दिखाना है, मेरे पास कैटेगरीज पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर बिल्डर का यूज़ करूँगा। कैटेगरी टेबल है हमारा, कैटेगरी टेबल, और कैटेगरीज को मैं डेटा के अंदर रख देता हूँ, फिल्टर गेट रिजल्ट एरे ले लेते हैं। अब इसको हम पार्सर के अंदर पास करेंगे, पार्सर क्लास यहां से ही ले लेता हूं मैं, ये पार्सर है हमारा, इस डेटा को मैंने सेट किया तो कैटेगरीज आ जाएंगी इसके अंदर, और देखते हैं कैटेगरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसको भी चेंज कर देते हैं, कैटेगरी नाम का हम एक व्यू बना लेंगे फिर से यहाँ पर, न्यू फाइल कैटेगरी डॉट PHP। ये अब मुझे करना क्या है कि कैटेगरी का नाम सिर्फ दिखाना है, तो कैटेगरी का नाम दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक तो लूप होना चाहिए, कैटेगरीज के
सेम इसी को ही कॉपी करके मैं यहाँ रख देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास फील्ड आएंगे टाइटल, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास है टाइटल फील्ड है, आईडी फील्ड है, तो एक आईडी आएगा एक टाइटल आएगा, आईडी टाइटल, और मैं इसे डिव के अंदर डाल देता हूँ। इसे H3 डाल देता हूँ, थोड़ा बड़ा देगा ये कैटेगरी सेपरेट है। अब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ कि कैटेगरी पे क्या हो, तो मेरे पास जितनी कैटेगरीज हैं वो लूप में आ गई, डेटाबेस में चार कैटेगरीज हैं, चारों उठ के आ गई, उनके आईडी भी उठ कर आ गए। अब कैटेगरीज में यहाँ पर कैटेगरी को मैंने डेटाबेस से उठाया एज अ एरे, तो कैटेगरीज उसके अंदर मैंने सेव करा दिया, और कैटेगरीज फिर एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गई है, मल्टी डायमेंशनल एरे बन गई है कैटेगरीज, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लूप स्टार्ट किया है मल्टी डायमेंशनल एरे से ही। उसके अंदर जो फील्ड्स हैं, अगर लूप चलेगा तो दो फील्ड्स आएंगे, आईडी और टाइटल, तो आईडी टाइटल को मैंने वहाँ रख दिया है, तो आईडी टाइटल जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एग्जीक्यूट होकर दिख रहे हैं। तो व्यू पार्सर को हम डेटाबेस के थ्रू भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डेटाबेस के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर एरे में हमारे पास डेटा है तो हम डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्यू पार्सर्स के अंदर लूप का कैसे यूज़ करते हैं, टेम्पलेट का यूज़ कैसे करते हैं, अगर हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग है तो रेंडर स्ट्रिंग का कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यू पार्सर्स में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं फिर नए वीडियो पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़।